ऐसे कैसे लीला आगे आगे लीला ऐसे कैसे भाई कैसे भिड़ी है कैसे भिड़ी है। So hello everyone, good morning and welcome back to the channel. Hope all you are fine and doing well in your life. And guys, अभी just नहा के बाहर निकले, वैसे समय तो हो गया सुबह के 11 और ये देखिए बंदे अभी तक नहाए नहीं ना आज स्कूल गए। एक्चुअली रात में ना बहुत ज़्यादा रात में 12-1 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था तो इसको आज स्कूल भी नहीं पहुँचाया एंड अभी तक नहलाया भी नहीं, अभी तक इसको तैयार भी नहीं किया। भाई साहब बारिश के मौसम में मतलब इस मौसम में सीताफल वो भी पेड़ से पका हुआ मिल रहा है यार। जैसे ये पेड़ पे अभी लगे हुए हैं ना, ये लगा वो लगे 2-3 ये लगे तो भाई पेड़ से पके हुए इस मौसम में वो भी एंड काफी टेस्टी यार, मस्त मजा आ गया भाई। ये देखो इसको सीताफल खाना, देखो देखो खा लो निकाल के भाई कैसे भिड़ी है। गाइस हो चुका शाम का मस्त वक्त और मस्त धूप भी निकली हुई है और आज बेसरमी से हम 3-4 घंटे सो लिए, पता नहीं कितनी देर सोया लेकिन आज बहुत सोया मैं। नेटफ्लिक्स पे भी राणा देख रहा था लेकिन नींद आगे देखते देखते तो मैं 3-4 घंटे में उठा भाई। अब जा रहे तालाब की तरफ घूमने, मस्त धूप भी निकली है बहुत दिनों बाद और ऐसे मौसम में धूप भाई बहुत सुहानी लगती है। तो देखिए नज़ारे इधर के, दोस्तों अब तो तालाब के पास खड़े होने की भी जगह नहीं बची यार, पानी पूरा भर चुका है और आप इंजॉय करिए सिनेमैटिक साउंड के साथ। चलिए भाई करते अब घर को प्रस्थान, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा है यार, बस ऐसा ना हो कि यहाँ से फिसले, अगर फिसले तो कांटे भी बहुत और सीधा नीचे जाके टिकेंगे। निकल आए भाई निकल आए, ज़्यादा स्लीपरी नहीं है तो चलते अब घर को करते प्रस्थान। चलिए गाय सब चलते हैं भट्टे पे, एक इसको छोड़ने जाना है भट्टे, अभी पता नहीं ये कैसी जगह पर खड़ी की है। पहुंच चुके गाइस, बहुत दिनों बाद भट्टे पर पहुंच चुके। अब इसको खाली करने लगाना गाड़ी को, फिर वापस से जाना है घर, अब तो 2-व्हीलर है इधर से। तो गाइस गाड़ी लगानी है वहां से लेकर यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन पाइप दिख रहा है यहाँ पर खाली करनी है, उसके पहले इसको हटानी पड़ेगी और ये जगह बनवानी पड़ेगी सही साइड, अदरवाइज उसमें ऊपर वेट बहुत ज़्यादा टोपल करने का चांस है ज़्यादा। ऐसे कैसे लीला आगे आगे लीला ऐसे कैसे एक बार में ले जानी पड़ेगी। रेंदे अब खींचनी पड़ेगी अपने निकले।
गाइस, जैसा कि आपने देखा गाड़ी का पता था यार कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा टास्क है कि वहाँ तक जाना उसके लिए। और मतलब वो क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा अब्सॉर्ब कर लिया मिट्टी में, और उसमें वेट जो सेंटर ऑफ मास था बॉडी का वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था क्योंकि फुल बॉडी फिलअप थी वो, तो इस वजह से उसको निकालना बहुत मुश्किल था। एनीवे जहाँ पर फंस गई वो वहीं पे खाली हो जाएगी। सुबह करते ब्लॉग यही एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, गुड नाइट।